एक दिन बिरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोला, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार ना जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी में मुझे काफी समय लग गया और इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बादशाह को लगा कि बीरबल बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुई। वे बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इसमें इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डांटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बेहद कठिन। बादशाह अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो। मेरे पास तो कई बच्चे हैं। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितना आसान यह काम है। ठीक है, जहाँ पना, बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तब आप एक पिता की भांति मुझे संतुष्ट करके दिखाइए। फिर बीरबल ने इसे छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर बादशाह अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर बादशाह अकबर की गोद में बैठ गया और लगा मूछों को छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते ही रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब बादशाह अकबर ने कुछ मिठाइयां लाने का आदेश दिया, जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा खिलौने से खेलोगे? देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। बीरबल रोता रहा और बोला, नहीं तो मैं तो गन्ना खाऊंगा। बादशाह अकबर मुस्कुराए और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आए, लेकिन बीरबल का रोना नहीं थमा। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ गन्ना चाहिए। बादशाह अकबर ने एक सैनिक को बुलवाया और कहा कि गन्ने को छोटे छोटे टुकड़े कर दो। यह देखकर बीरबल और जोर जोर से रोता हुआ बोला, नहीं सैनिक गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटे इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उसके पास गन्ना काटने के अलावा और कोई चारा ना था, और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे वह। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं मैं तो पूरा ही गन्ना खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया और बीरबल को देखते हुए बोले, लो पूरा गन्ना और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता हुआ ही बोला, नहीं मुझे तो इन छोटे टुकड़ों से ही लेकिन बीरबल रोता हुआ बोला नहीं मुझे तो इस छोटे गन्ने से ही साबुत गन्ना बना कर दो। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्हें बीरबल के सामने रखते हुए बोले, अकबर लो इसे खा लो बेटा। कैसी अजब बात करते हो तुम, यह भला कैसे संभव है, बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य जवाब दे गया, बोले यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी। अब बच्चे के अभिनय करता बीरबल उठकर खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं मुझे मत मारो हुजूर, बच्चे की बेतुकी जिदों को शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर और बोले, हाँ ठीक कहते हो, रोते चिल्लाते जिद करते अड़े बच्चे को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।